काका। हाँ बेटा। अरे चिट्ठी आई, चिट्ठी वही दरवाजे पर रख दे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा चिट्ठी आई माँ, मैं चिट्ठी लेके आती हूँ। अरे रौना जी नमस्कार। अरे नमस्कार बेटा, नमस्कार। अरे मनी ऑर्डर आया तुम्हारा, मनी ऑर्डर। अच्छा मनी ऑर्डर है। हाँ यहाँ साइन करो। हाँ ये ले बेटा। अच्छा रौना जी चलता हूँ। अच्छा चिट्ठी नहीं आई ना आज भी माँ? हमारी कोई चिट्ठी नहीं आई, सिर्फ राणा बोर्डो का मनी ऑर्डर आया है। ये निर्भागी चिट्ठी जाने कहाँ रख देते हैं। मेरा मानक ऐसा नहीं है कि दो दो महीने चिट्ठी ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आती थी, अब जाने कौन सा पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख ही देता। माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी, देख लेना। देख तेरा दिल हर मंगल को कहता है कि चिट्ठी आएगी, आई चिट्ठी नहीं ना। पता नहीं क्यों एक चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है इस बार। आने दे उसे, फिर खबर लेती हूँ उसकी मैं। माँ पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था ना कि वो वर्मा की लड़ाई में गए, क्या पता उन्हें समय ना मिला हो चिट्ठी लिखने का। इतनी फुर्सत ना मिली कि माँ को चार आखर लिख देता। अब बता जब उसकी चिट्ठी आती है तब जाके माँ के कलेजे में ठंडक पड़ती है। अब यहाँ कौन चार लोग बैठे जिनके सहारे माँ हंसी खुशी जिंदगी काट रही है, है? लाटे को इतनी बात समझनी चाहिए थी। माँ तू फिक्र मत कर, देख लेना चिट्ठी जरूर आएगी। वैसे माँ ये वर्मा यहाँ से कितनी दूर है? राणा जी तो कहते थे कि कोई 100 कोस दूर है। अब जाने उन्हें कुछ पता भी है कि नहीं, उनके तो जो मन में आया वो बोल देते हैं। लेकिन माँ राणा बोर्डा कहते हैं कि वहाँ मोटर या गाड़ी से नहीं सिर्फ पानी वाले जहाज से जाते हैं। ये तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी के जहाज से जाया जाता है। वो वहाँ समुद्र में देख के आया था ना पानी के वो बड़े बड़े जहाज। माँ बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर पानी वाले जहाज से आती होगी ना, क्या पता हमारे चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो। अरे छी ऐसी काली जबान ना बोल, अब मुंह अच्छा ना हो तो आदमी बात अच्छी करे। जहाज डूब गया? अरे तुझे पता है एक जहाज कितना बड़ा होता है? क्या कहा था मानक ने, हमारे गांव जैसे 4-6 गांव उसमें फिट आ जाए। अब इतना बड़ा जहाज कभी डूब सकता है? माँ तू सच माने झूठ, लेकिन राणा बोर्डा कहते हैं कि वहाँ रोज लड़ाइयाँ होती हैं और कई जहाज डूब जाते हैं। राणा जेठा जी ना एक लड़ाई क्या लड़ के आए हैं जैसे सारी दुनिया की अकल उनके पेट में आ गई है। घर बैठे बैठे जो कहना हो कह ले। अरे अपनी कजियाण का चाल चलन नहीं पता, लेकिन बात पता होगी जहाज डूबने की। अरे मुन्नी तू जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, अंदर जाके काम कर। विष्णु बोली। अरे कुंती दीदी आजा आजा, आज भी चिट्ठी नहीं आई। सुना है बर्मा में आजकल बड़ी जोर की लड़ाई चल रही है। अब कुंती दीदी बर्मा से कौन यहाँ होकर आया है भला? लड़ाई का हाल वहां वालों को पता होगा कि यहाँ वालों को? अब अपने राणा जेठा जी तो घर बैठे बैठे कुछ भी कह देते हैं। बताओ भला, देख इस बार अपना मानक आएगा ना तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना विद्वान है। अभी तो जो बोल ले वो सच। हाँ पर जो भी आए मानक अपनी बहन का ब्याह करा दे जल्दी से, क्योंकि सारी सहेलियां तो इसकी एक करके चली गई। अब बैसाख में धन्नो भी चली जाएगी, बस 1-2 महीने में सब कुछ करना है। और ये सारा शहर ढूंढाए पर कहीं 10-10 मलमल नहीं मिला, सारा मलमल मानो विलायत चला गया। वैसे बिश्नी तूने कहीं बरघर देखा इसके लिए? क्या करना घर पर देख कर दीदी, जब मानक आए तब तो कुछ बात हो ना। अब तुम्हें पता ही है लोगों के हाथ कितने बड़े ब्याज कर। हाँ वो तो है, पर तू देख 14 की तो हो गई है और घर में रखकर कितना बड़ा करेगी इसे। मेरी धनों का अभी 13वां चल रहा है पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, इसे जल्दी कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक कहीं लड़का तो देख, और जाने उसके आने में अभी कितना समय बाकी है, लड़ाई का क्या मालूम। अब वैसे ना मानक इस बार कह के गया था कि वो जल्दी से जल्दी छुट्टी लेके आ जाएगा, लेकिन 7-8 महीने तो होने को आए। नहीं अगले 4-5 महीने में आ ही जाएगा वो पक्का से, देखना। हाँ, तो
शायद और 4-6 महीने लगे, पर बिशनी भूली लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सुनकर देखा है? तू कहे तो मैं कहीं पूछताछ करती हूँ। अब लड़की दिन पर दिन ताड़ होती जा रही है, और मानक जाने साल में आता है 6 महीने में कि अरे मुन्नी की बुआ, अरे मुन्नी की बुआ, हाथ धो गई, हाथ धो गई। इतना क्यों हाथ रहा है? बात क्या हो गई? अरे बताने की बात नहीं है, तू अपनी आंखों से देख ले बाहर जाकर। अब सीधे सीधे बोल दे बात क्या है। दब बोल। अरे बताने की बात नहीं है, वो तो तमाशा है तमाशा। हाँ अरे मतलब बेशर्मी की ऐसी हद हो गई, क्या बताऊं। अरे बाबा वो मंगरू की रांड ने फिर। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, अरे गांव में दो छोरियां आई हैं। हाँ और उनका ऐसा बेशर्मी का पहनावा है, ठीक 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 क्या बताऊं। हाँ अरे वो घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है, और रंग में तो है काली। हाँ लेकिन ऐसे मेमो जैसे चलती है कि क्या बताऊं। अरे मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई, पर ऐसी बेशर्मी नहीं देखी मैंने। अरे तेरे घर की तरफ आ रही है, अरे इस मुन्नी को अंदर भेजते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ राणा को खबर करके आता हूँ, ठीक है। हाँ मैं चलता हूँ। मुन्नी जा, जा तू अंदर जा, काम कर, बाहर मत आना। हो ये लड़कियां मेम है। अरे मेम होती है जो मर्दों को घर में रख के खुद बाहर घूमने जाती है। नमस्ते माँ जी, थोड़ा दाल चावल दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। हम रिफ्यूजी लोग हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। हम रंगून से आ रहे हैं, वहाँ पे हजारों लोग अपना घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। हमें घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुराने धर्मशाला में पड़ी हुई हैं। रास्ते में हमारे 2 भाई भी मारे गए। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, भगवान आपको। ये लड़कियां मेम नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नहीं लगते। अरे दिखने में अच्छे भले घर की नजर आती हो, फिर बताओ ये भीख क्यों मांग रही हो? पहले जब घर बार था तो और बात थी, अब जब घर परिवार ही उजड़ गया तो भीख का ही आसरा है ना। जापानी जहाजों ने बम मारकर हमारा सारा शहर तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद हो गया। आप तो स्वर्ग में रहती हैं माँ जी, हमारा तो पूरा मुल्क ही उजड़ गया। फौजी को छोड़कर अब वहां कोई नहीं रहा। माँ ये कहती है कि इनके मुल्क में रोज लड़ाइयां होती हैं। माँ इनसे पूछो ना इनका मुल्क बर्मा से कितनी दूर है। हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही पड़ता है। क्या तुम लोग बर्मा से आई हो? हाँ माँ जी। हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जाने चली गई, जिसको जिधर रास्ता मिलता है उधर भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है क्या आजकल? हाँ वहाँ दिन रात आग बरसती है, आग। वहाँ रात दिन लड़ाइयाँ होती हैं। हम तो फिर भी खुशकिस्मत हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ चले आए। 13 दिन तक जंगली रास्तों पर भूखे प्यासे चलते रहे हैं अम्मा जी। तुम लोग वहाँ से पैदल चलकर आए हो? हाँ जान बचाने का एक ही रास्ता था, और रास्ते में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, और उन दलदलों के बीच में हम में से एक औरत फंसकर मर गई। माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल चलकर आई हैं, लेकिन राणा बोटो तो कहते हैं कि वहाँ पानी के जहाज से जाते हैं। जी हाँ असली रास्ता जहाज का ही है, मगर जापानी लोग जहाजों को बीच रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हमें आने के लिए जहाज ही नहीं मिलते। जहाजों पे बस फौजी आते जाते हैं। अरे जब जहाज पानी में डूब जाते तो फौजी भला उनमें क्यों आते हैं? ये सरकार बताओ इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए जहाज में भेज दे। फौजी समंदर में लड़ने के लिए जाते हैं माँ जी, जहाजों जहाजों में लड़ाइयाँ होती हैं। वहाँ से जापानी जहाज मार करते हैं तो यहाँ से अंग्रेजों के जहाज, और ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं माँ जी। बहुत भयानक लड़ाई होती है। तुम लोग जिस रास्ते से भाग कर आए हो उस रास्ते से फौजी भी भाग के आ सकते हैं? नहीं नहीं फौजी भाग नहीं सकते, वो वहाँ लड़ते हैं, और जो फौजी भागने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। नहीं मतलब फौजी लोगों को भाग के आने की क्या जरूरत है? उनको तो मियाद में छुट्टी मिलती है ना, तो भला वो भाग के क्यों आएंगे? छुट्टी लेके नहीं आएंगे? नहीं नहीं वो इतने अनजान नहीं है। हाँ। आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए।
लो यहाँ हमारे अपने खाने के लिए चावल नहीं है, अरे नहीं चावल चाहिए। मुन्नी जा अंदर से एक कटोरा चावल ले आ। वैसे क्या बर्मा से हम यहाँ पैदल आएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? दिनों का तो कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो महीने 20 दिन में और ना पहुँचे तो कभी ना पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल और ऊपर से जानवरों का डर, और फिर न जाने दुश्मन कहाँ डेरा जमाए बैठे हों। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई होती है माँ जी। हाँ रास्ते में हमने सैकड़ों सड़ी गली लाशें देखी, कहीं हिंदुस्तानी सिपाहियों की तो कहीं जापानी सिपाहियों की, देखकर दिल दहल जाता है माँ जी। अरे बस कर लो, बस कर लो। अच्छा माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। अरे बिश्नी भूली, तुझे हल्का क्यों करती है? क्या पता ये लड़कियां बर्मा से आई हैं या कहीं और से, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय राम, लड़कियां हैं या सांडियां? माँ तुम चिंता क्यों करती हो, देखना भैया जरूर आएंगे। जितनी हमें उनकी फिक्र है उतनी उनको भी तो हमारी फिक्र है ना। अरे मैंने कब कहा कि उन्हें हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन एक चिट्ठी डाल देता, मैं यहाँ रह रहा हूँ अच्छा भला हूँ, क्या चले जाता उसका भला है? क्या पता माँ भैया खुद ही आ रहे हो तभी उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। क्या पता माँ, मेरा दिल कहता है भैया खुद आएंगे। लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते, क्या मालूम। अच्छा भूली मैं चलती हूँ। तू शायद ठीक कहती है बेटी, क्या पता चिट्ठी ना आई तो अपना मालक खुद ही आ जाए, है ना? बाबा तू अभी तक जाग रही है? नींद ही नहीं आई माँ, तुम भी तो जाग रही हो। हाँ आधी रात बीत गई और नींद नहीं आई। मेरी उम्र में तो नींद वैसे भी नहीं आती है, अब सोना ही नहीं सोना है। चल गोपाल भी नहाने जाना है, सुबह उठेगी नहीं फिर। माँ तुम्हें पता है तारू अपने ससुराल से वापस आ गई। अच्छा माँ, उसके ससुराल वालों ने उसे अच्छे वाले मोती के कड़े बनवा के दिए हैं, वो पूरे गांव में दिखाती फिर रही थी। माँ उसके कड़े बहुत सुंदर है, बंतों के कड़ों से भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा अच्छा, अब के जब भैया आएगा ना तो तेरे सबसे अच्छे कड़े और चूड़ियां लेके आएगा। खुश सो जा, अब चल आँख नहीं खुलेगी फिर सुबह, चिल्लाना पड़ता है। कहाँ गुम हो गए इस लड़की की नींद बता। मैं घायल हूं मां, मुझे बहुत गोलियां लगी है और वो दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। मां कौन दुश्मन है बेटा तेरे पीछे, बता। वो मैंने उसे बहुत गोलियां मारी थी मां, मगर वो मरा नहीं, वो जिंदा है मां और अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। वो मुझे मारना चाहता है, देख उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं रेंगता हूं तो मेरे पीछे रेंगता है, मैं दौड़ता हूं तो मेरे पीछे दौड़ता है माँ। वो बहुत खतरनाक है। पानी पानी। बेटा बेटा तू उठ 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 उठ, चारपाई पर लेटने की कोशिश कर। मैं तेरे दूध गर्म करके ला। नहीं माँ, दूध नहीं, पानी। और यही, वो अभी आ जाएगा, देख अंधेरे में कहीं आ तो नहीं रहा। बेटा बेटा माँ कोई नहीं है, सुन देख तू घबरा मत, उठ चारपाई पर ले। नहीं नहीं माँ, पानी।
पाए। बेटा उठ 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 उठ, शाबाश, ले पानी भी आराम से ले ले। छोटे छोटे घूंट पीना, हाँ नींदा पार नींदा, पेट ना पेट पीड़ा मुझे, तू खाता भी तो नहीं है। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, मेरी भूख मर चुकी है माँ, पानी। वो देख माँ, वो आ गया, ये वही है माँ, यही वही है ये। तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। नहीं, झूठ बोलता है ये, मैं मुर्दा नहीं हूँ माँ, देख देख मैं बात कर सकता हूँ, मैं हिंदू हिंदू सकता हूँ माँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। हाँ, मुर्दा नहीं हूँ मैं। देख तेरी तेरी जान के साथ तो तेरी माँ की जान है ना, मैं जीती हूँ, देख ना तुझे कैसे कुछ हो सकता है। इसे कैसे कुछ हो सकता है, अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा और इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील कौओं के आगे डाल दूंगा। पर तू इसे बचाना क्यों चाहती है, अरे क्या लगती है तू इसकी? मैं इसकी माँ हूँ और तू इसे नहीं मार सकता, समझे? तू इसकी माँ है पर तू इस वैश्य की माँ नहीं लगती। तुझे पता है ये लड़ाई में कैसे वैश्यों की तरह गोली चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, ये इंसान नहीं जानवर है, जानवर। और तू कहती है तू इसकी माँ है। हाँ मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन मेरा बेटा वैश्य नहीं है, ये किसी की जान नहीं ले सकता, ये बेचारा तो मरते हुए कबूतर को भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अब मैं लड़ाई में अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, ये मेरे साथ घर पे रहेगा। ये घर पे रहेगा, इसके हजारों दुश्मन हैं और ये हजारों का दुश्मन, वो सब इसे ढूंढ रहे हैं, वो इसकी जान के पैसे हैं। अब ये वहां जाएगा तो भी मरेगा और यहाँ रहेगा तो भी। मैं तुझे इसे नहीं मारने दूंगी। अरे तू कैसा आदमी है, तेरा भी तो घर बार है, माँ होगी ना, माँ के हृदय को नहीं जानता। मेरा बच्चा कितना भोला है, देख इसकी किसी से कैसे दुश्मनी हो सकती है, भोला है? इसकी कैसे दुश्मनी हो सकती है, अरे ये देख ये सारे घाव तेरे बेटे ने दिए हैं, मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ जिंदा हूँ इसे मारने के लिए, और इसे मारे बिगर मैं नहीं मरूंगा। अरे तुझे बात समझ में नहीं आती, माँ हूँ मैं उसकी, बच्चा है मेरा वो, किसी दुश्मनी से नहीं किया था, मैंने भेजा था उसे लड़ने, इसकी बहन ध्यान योग हो गई है, 6 महीने साल भर में उसका ब्याह करना है। घर की हालत ऐसी है, अरे भला बेटी के ब्याह की चिंता नहीं होती तो हम आधे पेट खाकर रह लेते, लेकिन मैं अपने बच्चे का ऐसे लड़ने नहीं भेज देती। एक ही बच्चा है मेरा, सोचा था बेटी के ब्याह के बाद इसका भी ब्याह कराऊंगी धूमधाम से, फिर मेरे साथ घर पे रहेगा, मेरे साथ। लेकिन देख इस लड़ाई ने क्या हाल कर दिया इसका, आज मेरा बच्चा आज इस हालत में घर आया है, इसके बदले तू होता था, तेरी माँ तुझे खुद से अलग कर लेती। मेरी माँ पागल हो गई है, वो रोज मेरी मौत का इंतजार करती है और हंसते हुए कहती है मेरे बेटे की लाश आएगी। मेरी बीबी ने अभी से बेवा का सॉन्ग रचा लिया, उसने मुझे लिखा कि मेरी मौत की खबर सुनेगी तो फांसी लगा लेगी, अरे उसके पेट में मेरे 6 महीने का बच्चा है,
वो भी उसके साथ मारा जाएगा। देख तेरे बेटे ने मेरी क्या हाल कर दी, क्या तुझे इसकी आंखों में वैश्यानी चमक दिखाई नहीं देती? नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, मतलब अभी इसकी आंखें ऐसी लग रही है लेकिन इसका असली रंग ये नहीं है। तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है ना, तू इसकी आंखों का रंग का मतलब नहीं समझती। देख कैसे दुश्मन इससे मेरी तरफ देख रहा है, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख इसकी आंखों में कैसे खून उतर रहा है। तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तू इसे नहीं मारेगा। मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। अरे क्या यही चाहती है तू? नहीं, ये तुम्हें नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, मेरा बच्चा है ना, मैं जानती हूँ, नहीं मारेगा, तुम्हें नहीं मारेगा। मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे जरूर मारूंगा, अब इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं वैसी हूँ, दरिंदा हूँ मैं, हाँ मैं वैसी हूँ, दरिंदे से भी बढ़कर हूँ। ऐसे घूर के क्या दिखता है मुझे, उठ उठ कर टोकर मार मुझे। देख मानक, मानक तू उसे नहीं मारेगा, सुना तूने, मानक उसे नहीं मारेगा, वो मैं तेरे गरीब है मानक, उसकी माँ है, रो रो कर पागल हो गई है वो, घर में बीवी है, बच्चा आने वाला है, उसे कुछ हो गया ना वो बाजी लगाकर मर जाएगी। सुना मानक, तूने नहीं मारेगा, तू नहीं मारेगा। तू जा माँ, मैं इसे नहीं छोडूंगा, ये दुश्मन है माँ, मानक दुश्मन है, ये मैं इसे मार दूंगा, अभी अभी यही मार दूंगा माँ। मानक तू नहीं मारेगा, तू मानक नहीं बात, तू छोड़ दे मुझे माँ, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। याद कर ले आज हम, जो हुआ है खुद कुर्बान।